हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आलू और शिमला मिर्चा का सब्जी बनाना बताएंगे। उसके लिए हमने बड़ा बड़ा 5 आलू को हमने इसे छील कर धोकर इसे काट लिया है। एक मूली लिए हैं, शिमला मिर्चा को हमने बारीक बारीक काट लिया है, एक प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और गरम मसाला, और तड़का के लिए जीरा ले लिए। गैस को हम जला लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। हम कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम तेल डाल देते हैं। इसमें मिर्चा को हम हरा मिर्चा को डाल देते हैं। उसके बाद हम जीरा डाल देंगे। अदरक डाल देते हैं, लहसुन, उसके बाद प्याज डालेंगे। अब इसे हम 2 मिनट भून लेते हैं। इसमें हम आलू डाल देते हैं, उसके बाद शिमला मिर्चा और मूली। शिमला मिर्चा और आलू के साथ मूली डालकर सब्जी बनाना ये बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देंगे। अभी इसे मिक्स करके 5 मिनट इसे हम भूनेंगे। सब्जी अब देख लेते हैं। अब इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और धनिया पत्ता। अब इसे 2 मिनट मसाला डालने के बाद फिर इसे हम भूनेंगे। अब इसे ढक देते हैं, गैस के फ्लेम मीडियम कर देते हैं। इस पर थोड़ा 5 मिनट गल जाएगा। शिमला मिर्चा और आलू का सब्जी बनकर तैयार हुआ है। अभी इसे हम गैस बंद करेंगे, आप लोग के साथ सर्व करेंगे। गैस बंद कर देते हैं। ये मिर्चा वाला सब्जी बनकर तैयार हुआ है। इसे आप लोग भी बनाइए, इसके साथ मूली डालकर बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। हल्का मसाला देकर, गरम मसाला, बाकी कुछ मसाला नहीं, ये सब्जी बहुत टेस्टी उतरता है, बनता भी है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा, एक बार ट्राई करके देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।